गोरखपुर के घंटाघर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अचानक उस समय बवाल होने लगा जब गंभीर हालत में आई 2 साल की बच्ची जो कि सीवियर निमोनिया से पीड़ित थी और डॉक्टर के इलाज के बाद उसे रेफर किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के मौत के बाद उसके परिजन नर्सिंग होम के बाहर हंगामा करने लगे और तोड़फोड़ भी की, जिसकी तहरीर डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने पुलिस को भी दी है। मृतक लड़की के पिता का कहना है कि उसकी मौत नर्सिंग होम के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुई। वहीं डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि लड़की अत्यंत गंभीर हालत में उनके पास आई थी। कुछ इलाज कराने के बाद जब उसकी हालात नहीं सुधरे तो उन्होंने उसे रेफर कर दिया। रेफर करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बच्ची के परिजन लोगों का हुजूम लेकर उनके नर्सिंग होम पर आए और तोड़फोड़ करने लगे। इसी बीच हंगामे को देखते हुए नर्सिंग होम के कर्मचारियों द्वारा 100 नंबर डायल किया गया, जिस पर पुलिस ने आकर मामले को शांत कराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि उनके पास CCTV फुटेज उपलब्ध है, जिसमें रेफर के समय बड़ी ही सादगी और आराम से लड़की का पिता उसे लेकर नर्सिंग होम से बाहर जाता दिख रहा है। ठीक 1 घंटे के बाद वह दोबारा आता है और यहां पर हंगामा करने लगा। उन्होंने इस संबंध में और जानकारी देते हुए कहा, तकरीबन करीब भोर में 5 बजे के आसपास एक बच्चा आया 2 साल का, जो उसको सांस की बीमारी थी, तो उसको तुरंत बताया गया एक मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं थे। तत्काल के लिए फ़ोन पर उपचार बताया उसको। उपचार करने के बाद मैं वहाँ पहुँचा, बच्चे की हालत वैसे ही स्थिर थी। फिर उस समय उसके परिजन भी आ गए थे, तो उन लोगों ने बच्चे को कहा कि हम यहाँ से मेडिकल कॉलेज ले जाएंगे, और उनके कहने पर बच्चे को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करते के समय उन्होंने उसकी पूरी इलाज की प्रति और उसका का इलाज जो हुआ था वो लेके चले गए। उसे करीब 1-1.5 घंटे बाद फिर करीब 150-200 के बीच में आए और उन लोगों ने बताया कि जो सुई लगा था यहाँ पर या जो दवा चला था उससे बच्चे की मृत्यु हो गई है, जबकि ऐसी संभावना कम है। मृत्यु अगर यहीं हो गई होगी तो बच्चे को वो ले नहीं आते।